देखते देखते चले एलो आमादेर प्राणेर उत्सव दुर्गापूजो। आर तारे दुर्गापूजोर सेरार सेरा उपस्थापना जेई क्लाब करेछे सेई क्लाबे आमरा एखन चले एसेछि कल्याणी आईटीआई लुमिनास क्लाबेर पूजो देखते। आज ही उद्बोधन हो गेलो कल्याणी आईटीआई लुमिनास क्लाबेर पूजो। वेल, आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा हम लोगों को कितनी ज्यादा पसंद है और थीम एक पंडाल बनाया गया जो 300 करोड़ रुपए का बना है और इंडिया में भाई क्या क्या है यार, मतलब 300 करोड़ भाई छोटी सी रकम नहीं है, बहुत बढ़िया रकम। तो उतने का हमें कुछ दोस्तों ने रेकमेंड किया कि भाई आपने अभी गणेश चतुर्थी तो आपने देख लिया, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है और नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो भी ऐसे ही बड़ी धूमधाम से और बड़े मैसिव स्केल के ऊपर मनाया जाता है। सो सिंस वो अगले महीने है तो जय हिंद दोस्तों। भारत में माँ दुर्गा की पंडाल के निर्माण में होने वाले करोड़ों रुपए का खर्च देख के पाकिस्तान समेत पूरा दुनिया हैरान है। पूजा ये भारत का नहीं पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा उत्सव है और भारत में जिस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है इस तरीके से दुनिया के अंदर कहीं पर भी मनाया नहीं जाता। भारत की इस महान फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आती है और भारतीय के साथ इस त्योहार का मजा लेती है। भारतीय माँ दुर्गा की पंडाल की ऐसा ऐसा थीम लेके आती है ये देख के पूरा दुनिया हैरान हो जाती है। ऐसा पंडाल देख के दुनिया भर में भारत की चर्चा होती है, पाकिस्तान समेत विदेशी ये देख के शॉक्ड हो जाती है। भारतीय अपने फेस्टिवल को कितना धूमधाम से मनाती है और माँ दुर्गा की पंडाल को देख के पाकिस्तान से बहुत बड़ा पब्लिक रिएक्शन निकल के आ रहा है। कोलकाता की तो कोलकाता जो है वो पंडाल के लिए जो है फेमस है। हम जब हर साल यहाँ पर देखते हैं पंडाल तो हमें कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ओके टेस्टेड की वीडियोस देखी थी और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पंडाल देखे थे। और मैं कहता हूँ कि लाजवाब जी यार, यकीन करें इतनी सफाई से काम किया गया है, इतना शानदार किस्म का काम किया गया है कि लाइटिंग और जो थीम जितने भी आए हैं बीच में सारे एक से बढ़कर एक थे। और ये यकीन करें, मैं कहता हूँ कि वाकई ये बंदा अगर सामने हो ना गया हो उधर तभी जाके ज्यादा जो होता है ना देखने में मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है आंखों को। ना खूबसूरत एक किस्म का था ये, तो बहुत ये जगमगाता है, ऐसा लग रहा था कि बंदा कोई तारा हो या कोई ऐसी चमकती हुई चीज, क्योंकि लाइट्स के मामले में इन्होंने तो आई थिंक वो दुबई के बुर्ज खलीफा को भी छोड़ दिया वही ना। और वो जिस तरह पंडाल लगा हुआ था ये जिस तरह इन्होंने मतलब कि लाइट्स पूरी गलियों में लाइटें लगा डाली हैं, लोग आया हुआ ये लाइट शो देखने के लिए और इतना कमाल का लाइट शो पूरे कोलकाता में रोशनी हुई भी है, पंडाल सज रहे हैं वही ना दुर्गा पूजा के लिए। अब ये जाहिर सी बात है फेस्टिवल है। अब यार मस्त थी, हमें कैसा लगा? बहुत मजा आया, इतनी लाइटें इतनी प्यारी हमका दिल खुश हो गया सच्ची में। इतनी प्यारी, इतनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं ऐसा कभी नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो देखी है कि इतनी ज्यादा उन्होंने लाइटिंग की, इतनी ज्यादा उन्होंने खूबसूरत, हर कोलकाता उनका शहर है 10 जगह पे उन्होंने ना पूजा का इंतजाम किया हुआ था। पूजा पंडाल का जो मतलब अभी दशहरा गुजरा है ना उससे पहले वो होती है पूजा वगैरह, तो वो उसका सारा इंतजाम किया, तो उन्होंने इतनी ज्यादा लाइटिंग, इतनी जगह लाइटिंग, कभी नहीं देखी यार, मतलब हैरान। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही हैरान है, मतलब कि यकीन नहीं आ रहा कि हमने क्या देख लिया है। और ये तो यार ये जो भी बना है मैं कहता हूँ अद्भुत है यार भाई, 300 करोड़ का ये चीज बना है। जिस तरह हमें इसका कीमत हमारे एक भाई सब्सक्राइबर ने बताई है, इंडिया में यार मतलब कुछ भी पॉसिबल है भाई यार, मतलब मतलब ऐसी चीज कभी सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में देखे बिल्डिंग होती है ऑफिस वर्क के लिए, हमने ऐसा कभी गुमान में भी नहीं आ सकता कि मतलब एक पूजा पाठ की जगह ऐसी हो, मतलब मंदिर एक किस्म दर्शन जहाँ पे करने जाए माता का, मतलब वो जगह ऐसी हो यार, यार मतलब वो जिस तरह दुर्गा माता के लिए करना है सब कुछ। हाँ। देखो यार मतलब ये तुमने ये देखा ना कितने किलो, सिर्फ 60 किलो तो सिर्फ 70 किलो के करीब कम से कम उनको लगे, और उसके बाद देखो जब ये अंदर उसको रखेंगे और फिर जब लोग आएंगे और मतलब पूजा करेंगे उस तरह उस टाइम क्या होगा यार। मुझे आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।